तो कार्टून तुम जानते हो फ्लैट में कैमरा लगा हुआ है भैया, हम नहीं जाने सके थे। नहीं जानते। तू काहे पहले घुसी है फ्लैट दोस्तों? हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। ये जो रेड कलर का सूट पहनी है, एक बच्ची ली है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों कैसे एकदम गाड़ी का देखिए, पीछे पीछे से इधर से देखिए कैसे पीछे से ही जा रही है, सामने से जान रही है कि वो कैमरा लगा हुआ है, इसलिए सामने से ना जाकर गाड़ी का पीछे पीछे, बोलेरो गाड़ी जो लगा हुआ है दोस्तों, इसी का पीछे पीछे के जाकर आप देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सीढ़ी जस्ट सीढ़ी के बगल में रखा हुआ सामान, मतलब पैक कर कर एक बोरा में सामान रखा हुआ था ब्यूटी पार्लर का, जो कि ब्यूटी पार्लर खाली हुआ था दुकान, और उसमें जितना भी कॉस्मेटिक का सामान था, देख सकते हैं छोटे बच्चे से वो महिला कैसे उसके ऊपर रख कर सर पर इसको दी, और खुद भी देखिए अपने सर पर रख कर, एक झोला सर पर रखी हुई है, एक झोला हाथ में ली है। तो दोस्तों बताइए, छोटे छोटे बच्चे लोग को क्या संस्कार दे रही है? अभी ये बच्चे लोग अभी लमसम हमें लग रहा है 6 साल की होगी, 7 साल की होगी, इसे देखिए कैसे भाग रही है दोस्तों। और इसको देखिए दोस्तों, भागते भागते कर में देखिए दोस्तों कैसे झोला सर से गिर गया है दोस्तों, फिर उसने झोला लेकर आपको देखिएगा कैसे जाकर यहाँ रखती है, है ना दोस्तों। गार्ड नहीं था दोस्तों, और गार्ड कहीं गया था कुछ काम से, कुछ मार्केट में कुछ सामान लाने के लिए बगल में, तो स्थानीय लोग जो वहाँ के देखे लोग, उन्होंने हल्ला किया तो पता चला कि मेरे मम्मी को कि अरे ये तो सामान मेरा लेकर जा रही थी, तो मेरे मम्मी ने इसको पकड़ा है दोस्तों। ये देखते जाइएगा दोस्तों, वीडियो पूरा स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। देखिए यहीं से सामान उठा के लेगी कैसे, तो इंटर की है वो लेडीज या बच्चा लोग, यहाँ से पीछे पीछे गई है कि सामने फ्रंट में कैमरा लगा हुआ, पीछे पीछे यहाँ से गई है, देखिए इधर से पीछे पीछे जाकर हम आपको दिखाते हैं आज क्या रखा हुआ है, क्या नहीं रखा हुआ, किसका बाइक है, किसका साइकिल है, दिन में भी चोरी हो सकता है, यहाँ बढ़िया बढ़िया साइकिल लगा हुआ है, यहाँ से जाकर पीछे पीछे आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये देखिए पीछे पीछे रास्ता से आकर यहाँ से देखिए, यहाँ ही सामान रखा हुआ था, यहीं से सामान यहाँ से उठा के ले गई है, और यहाँ से आई फिर इसको देखिए इधर से जाकर, इधर कैमरा लगा हुआ है कैप्चर किया था, और फिर देखिए यहाँ से ये गई है, और एक गार्ड साहब अंदर थे, सुतल थे कि क्या पता नहीं है, यहाँ भी कैमरा था, बस 5 मिनट का खेला में, 2-3 सेकेंड का खेला में सामान सब चुरा के इधर से लेकर चला गया। दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, देख रहे हैं ना दोस्तों कैसी लेडीज है दोस्तों, यही महिला है जो आपको देख सकते हैं, साथ में 2 लड़का भी है दोस्तों, ये देखिए कैसे रो रहा है, इसी लोग का बच्चा लोग का आंसू देखकर, साथ में इसको लिए हुए बच्चा को देखकर, जिस समय सामान लेकर जा रही थी ये लेडीज जो है ना, उसने बच्चा नहीं ली थी, इसके साथ एक और थी दोस्तों, उधर आगे भाग गई है, यही लड़की जो छोटी थी इसके सर पर ये जो लेकर जा रही थी एक झोला ये लेकर जा रही थी, बताइए ये बच्चे लोग को क्या संस्कार दे रही है, बताइए आप लोग, ऐसे ऐसे लोग बच्चे लोग को क्या संस्कार दे रही है, समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग सोचे कि इसको पुलिस का हवाले करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग उसको बोले कि छोड़ दीजिए, साथ में छोटे छोटे मासूम बच्चे लोग था, इसीलिए हम इसको छोड़ दिए, नहीं तो दोस्तों अगर जेंट्स रहता ना इसको तो 2-3 तमेचा इसको मारते भी, इसके बाद इसको हम पुलिस का हवाले करते, लेकिन देखे कि ये महिला साथ में छोटे छोटे बच्चे लोग, बच्चे लोग को क्या पता है, जैसा संस्कार दीजिएगा वैसा ही बच्चे लोग सीखेंगे। तो दोस्तों जहाँ भी आप ऐसे ऐसे महिला लोग को देखिएगा दोस्तों, उन लोगों को छोड़िएगा नहीं आप, समझ गए ना, क्योंकि छोड़ने का मतलब कि आप उन लोगों का और भी हौसला बुलंद हो जाता है कि कुछ नहीं करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यही सामान झोला में ली हुई थी जो मेरी माँ ली है, यही इसी का ब्यूटी पार्लर का सब कॉस्मेटिक का सामान भर कर रखा हुआ था, यहाँ देख सकते हैं यही सब सामान था, तो ये सब सामान लेकर इन लोग भाग रही थी, तो मोहल्ले के स्थानीय लोग ने ही हम लोगों को बताया, मम्मी को बताया, तब मम्मी पकड़ी, सामान तो दोस्तों मिल गया दोस्तों, लेकिन क्या बोला जाए, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोले, एकदम क्या ज़रूरी है चोरी करना, पैसा कमाना चाहिए, मेहनत करके एक तो ऊपर से 2-2 3-3 वो बच्चा लिए दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों।